वेलकम बैक गाइज, एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे VGMI लैग को लेकर। जब हम गेम प्ले मतलब जब हम गेम खेलते हैं तो हमारा गेम बहुत ज़्यादा लैग करता है, बहुत ज़्यादा हमारा गेम लैग होता है, जिसकी वजह से हम ठीक से खेल नहीं पाते हैं और मतलब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ पाता है। तो गाइज हम आज इसी को फिक्स करने करेंगे गाइज। और गाइज हम बिना टाइम वेस्ट के सीधा अपने मुद्दे पर चलते हैं, इधर उधर की बात कुछ नहीं करते, सीधा अपने मुद्दे पर चलते हैं। आपको क्या करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर पर, आपको यहाँ से GFX टूल को डाउनलोड करना है गाइज। आपको प्ले स्टोर पर, चलो मैं आपको दोबारा करके बताता हूँ, बैक कर दो। आपको यहाँ पे GFX टूल जो होता है इसको आपको इंस्टॉल करना है। तो ये जो वाइट वाला आता है सेटिंग्स जैसा ऑप्शन, आपको ये वाला इंस्टॉल करना है। तो मेरा गाइस ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे कुछ नहीं मतलब कुछ जो जैसे वैसे ही आपको रखना है। बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है BGMI पे, BGMI इंडिया जो ऊपर आ रहा है गाइस, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो एक ऐड आएगा, इस ऐड को स्किप कर देना आप, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कट ऑफ ऑप्शन आ गया, इसको मैंने स्किप कर दिया। और आपको यहाँ पे जो सेटिंग्स मैं बता रहा हूँ ना गाइज, वही रखना, और वही मतलब उसके सिवा और भी कुछ छेड़छाड़ या और किसी को मतलब उसको छेड़छाड़ मत करना, नहीं तो आपका फिर सेटिंग्स बिगड़ जाएगा, आपका गेम प्ले मतलब पूरा ख़राब हो जाएगा। फिर सेटिंग्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आप रखना, उसी को आप छेड़छाड़ करना, मतलब आपको जो भी करना होगा। इसको रिसोर्स को आप गाइज 576 तक रख सकते हैं, अगर आपका कुछ ज़्यादा ही लो डिवाइस है तो आप 576 तक रख सकते हैं। आप अगर इससे अच्छा कोई मतलब ग्राफिक्स चाहते हो तो आप 6-8 तक जा सकते हो, बट ये है ना कि 6-8 में आपको थोड़ी अच्छी ग्राफिक्स मिल जाएगी। हाँ, आप 6-8 तक जा सकते हो, बट मैं अगर आपको बहुत ज़्यादा लो डिवाइस है तो आप 576 तक जाओ तो बेटर है। और इस ग्राफिक्स को आपको स्मूथ रखना है गाइज, और इसको यहाँ से 90 FPS सेलेक्ट मत करना, यहाँ से आप 60 FPS ही सेलेक्ट करना, क्योंकि यहाँ से 90 FPS सेलेक्ट करोगे ना तो फिर मतलब ज़्यादा बेटर आएगा नहीं। यहाँ से मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप 60 FPS ही सेलेक्ट करो, बाकी को जो जैसा है उसको वैसे ही रहने देते हैं ना। और आपको स्टाइल कैसा चाहिए, कलरफुल चाहिए, क्लासिक चाहिए, तो मैं तो कलरफुल में खेलता हूँ, तो आपको भी अगर कलरफुल रखना है तो आप भी कलरफुल रख सकते हो। और इसको लो रखना है गाइस, बाकी किसी भी चीज़ को छेड़छाड़ नहीं करना है। आपको कलर फॉर्मेट में यहाँ पर 60 बिट सेलेक्ट मत करना, 32 बिट ही सेलेक्ट करना, बाकी को नहीं कुछ नहीं करना है, जो जैसा है उसको वैसे ही छोड़ना है। डिफ़ॉल्ट डिसेबल लाइट इफेक्ट, और आपको ग्राफिक्स API जो है इसको OpenGL रखना है गाइस, OpenGL। आप यहाँ पे साउंड क्वालिटी को अल्ट्रा भी कर सकते हो, इसमें क्या होगा ना कि आपको जो एनिमे की साउंड होगी वो मतलब अच्छी आएगी, मतलब काफ़ी हद तक एक अच्छी क्वालिटी की साउंड आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी को डिसेबल रखना है, और GPU ऑप्टिमाइजेशन जो है उसको आपको इनेबल करना है गाइस। और आपको यहाँ से क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, और इसको आई अंडरस्टैंड करके एक ऐड आया फिर से, इसको भी आपको स्किप कर देना है। देखने के बाद पर आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करने के बाद आपको ये ले जाएगा BGMI के अबाउट में, और यहाँ से आपको ये करना है कि यहाँ से आपको क्लियर ओल्ड डाटा करना है। ये ध्यान देते रहना गाइस कि आपको ये क्लियर ओल्ड डाटा GFX टूल के अंदर जाके जो आई अंडरस्टैंड का ऑप्शन आता है वहीं से जाके करना है। आप अपना खुद से जो होम स्क्रीन पे BGMI आता है वहाँ से मत करना गाइस, जैसे कि यहाँ से जो आता है एक ऑप्शन, यहाँ से ओल्ड डाटा मत करना गाइस। अगर आपने यहाँ से जाके ओल्ड डाटा करा तो आपका सारा डाटा डिलीट हो जाएगा गाइस, यहाँ से मत करना। आपको GFX टूल में ही जाना है, आपको GFX टूल में ही जाना है, और BGMI में जाने के बाद जो भी आपको सेटिंग्स रखनी है, जैसे जैसे मैंने बताई, अगर आपको बहुत ज़्यादा लो डिवाइस है तो आप ये सेटिंग्स रख सकते हो, अगर आपका मतलब थोड़ा अच्छा डिवाइस है तो आप 6 और 8 भी रख सकते हो, इसमें कोई मतलब वैसी बात नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा लो है तो आप ये वाला रख सकते हो, इसमें आपका लाइफ फिक्स हो जाएगा। और गाइस यहाँ से आपको एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहीं से BGMI की जो क्लियर कैचेस करनी है यहीं से करना है गाइस, वहाँ से मत करना, होम स्क्रीन से मत करना या सेटिंग से मत करना, आप GFX टूल से ही करना, नहीं तो आपका फिर सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, यहाँ से आपका कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा गाइज। तो अभी आप यहाँ पर देखो, ये मेरा स्टोरेज 3.11 GB मतलब पूरा स्टोरेज ले रखा है, लेकिन अभी मैं यहाँ से ओल्ड डाटा क्लिक करता हूँ तो ये डिलीट होके 236 MB तक रह गया, लेकिन ये असली में डिलीट नहीं होता है गाइज। GFX टूल से अगर आप डिलीट करते हो तो ये असली में डिलीट नहीं होगा, लेकिन आप होम स्क्रीन से करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ओल्ड डिलीट करने के बाद आपको जाना है अपने, आपको GFX टूल से रन गेम करना है। सॉरी गाइज, बैक हो गया। एक्सेप्ट करने के बाद तो गाइज अब आपको यहाँ तक आने के बाद, अब आपको यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे रन गेम करना है गाइज, रन गेम करना, क्लिक कैच करने के बाद एक बार बैक जाना है। और एक बार जब आप GFX टूल पे चले जाओगे तो वहाँ पे रन गेम करने का ऑप्शन आएगा, और GFX टूल से ही आप गेम को रन करना। यहाँ पर हमसे कुछ परमिशन मांग रहा है तो इसको अलाउ कर देते हैं, यहाँ पे भी हम इसको अलाउ कर देते हैं। डोंट वरी गाइज, आपका कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा, अगर आप GFX टूल से डिलीट करते हो तो कोई भी आपका डाटा डिलीट नहीं होगा, डोंट वरी। अभी आपके सामने ही ऑन करूँगा वीडियो को, इस वीडियो को मैं थोड़ा भी स्किप नहीं करने वाला क्योंकि आपके सामने प्रूफ रहेगा।
अगर आपका भी ये साइड में बटन्स आते हैं और ये ना अपने आप मतलब साइड में नहीं जाते हैं, तो अभी मैं इस वीडियो में आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ, ये काफ़ी बंदे को पता होगा, फिर भी मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। ये देखो ये वैसे अपने आप थोड़ी इतनी देर में तो चला गया है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि आपको ये जो साउंड वाली बटन होती है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करना है और आपको एक बार साइड में क्लिक करना है बस, और ये फिर ऑटोमेटिक चला जाएगा गाइस। वहाँ पे फेसबुक का पासवर्ड डाल दिया है, देखो गाइज आपके सामने मेरा फेसबुक से लॉगिन हो गया है और कोई भी हमसे अपडेट नहीं मांगा है। देखो वहाँ पे सारे मैप्स जो रिसोर्स थे मैप्स थे सारे मैप्स रह के वैसे ही कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। बस आप इतना ध्यान जरूर देना कि आप जो ओल्ड कैचेस करोगे वो GFX टूल से ही करना और कहीं से मत करना। तो देखो गाइस थोड़ा सा आपको मतलब दिख रहा होगा कि मेरा जो मतलब वो जो करेक्टर है और जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा ब्लर है, तो मतलब इसकी मतलब थोड़ी सी क्वालिटी ना डाउन कर दी है GFX टूल ने, और जिस वजह से हमारा लैग ना कम करेगा, जिससे ना डिवाइस पे ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर आएगा नहीं और ये अच्छे से हमारी गेम को रन कर पाएगा। तो यही सोल्यूशन था गाइस, अगर आपको मतलब आपका अगर प्रॉब्लम फिक्स हो गया होगा तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। और एक बार गाइस ये देखो यहाँ पर हमारा जो भी रिसोर्स डाउनलोड था सारा रिसोर्स है गाइस, जो भी रिसोर्स है हमारे सारे रिसोर्स है, हमारे जो इन्वेंट्री में ड्रेस है सारे ड्रेस है, कुछ भी हमको वापस डाउनलोड करने के लिए नहीं बोल रहे गाइस, जो भी मैंने डाउनलोड करके रख रखे थे वैसे के वैसे ही है, कुछ भी हमको वापस से डाउनलोड नहीं करना पड़ रहा है। तो अगर आपको भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे करना है और क्या क्या सेटिंग्स रखनी है, तो दिल से सपोर्ट करना और एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। थैंक यू, बाय बाय।